लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक्स. हम लोग चल रहे थे बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मीन्स टू, बी मीन्स टू. इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड टू ऑपरेट ऑपरेंड. हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिक्वायर्ड टू ऑपरेट. इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है. इज द फॉलोइंग आर द बाइनरी ऑपरेटर. इस तरह के कुछ लिस्ट है. नंबर वन अर्थमेटिक ऑपरेटर. हम लोग चलेंगे अभी अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है ना, प्लस साइन. हम डिस्कस किए तो प्लस क्या है, दो डेटा आइटम को ऐड करता है. माइनस, दो डेटा आइटम्स को माइनस करेगा. ये क्या हमारा है, ये डिवीजन के लिए यूज करता है. लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करेगा वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, यहां पर 12/2 स्लैश क्या है, डिवीजन के लिए यूज होता है. मतलब हमेशा रिटर्न करेगा फ्लोटिंग वैल्यू. जैसे यहां पर देखिए 12/2 ये प्रिंट ए. एक्चुअली क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू 6 होना चाहिए था, 0.0 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से एस्ट्रिक ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, मल्टीप्लाई होता है दो बिटवीन टू ऑपरेंड या टू डेटा आइटम्स के बीच. अब आइए एक है बस, ये है रिमाइंडर. ये हमारा क्या है, रिमाइंडर को प्रिंट करता है. लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन रिटर्न करेगा, सॉरी रिमाइंडर, ये हमेशा रिमाइंडर को इंडिकेट करेगा. ठीक है, एक है एस्टिक. एस्टिक ये एक्सपोनेंट रेस्ट टू द पावर. जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2**3 मतलब 2^3 8 ऐसी वैल्यू है. ये रिप्रेजेंट क्या किया, रेस्ट टू द पावर. ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फ्लोर डिवीजन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोर डिवीजन. ये सी सी प्लस में जावा में नहीं है फ्लोर डिवीजन, है ना. फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये क्वेश्चन को रिटर्न करता है लेकिन इंटीजर पार्ट देता है. जैसे देखिए फ्लोर डिवीजन क्वेश्चन इंटीजर पार्ट को रिटर्न करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है 12/2 ये फ्लोर डिवीजन है. तो क्या आएगा सर, यहाँ पे 6 होंगे इंटीजर पार्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 13/2 यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा 6.5. यहाँ आ जाइए 13/2 ये क्या इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा. तो क्या होगा, 6 रिटर्न करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने बुक्स में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा. अब आइए नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर. बिट वाइज ऑपरेटर क्या, दीज आर द बिट वाइज ऑपरेटर फॉर टेस्टिंग द बिट. ये टेस्टिंग ऑफ द बिट यूज होता है. जैसे यहाँ पहला हमारा बिट वाइज एंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. ठीक है, अब एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ट्रूथ टेबल बना लेते हैं एक्स एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1. फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टू वेरिएबल है 2^2 फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए. अब देखिए अगर 3 होता एक्स वाई जेड होता तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता. यहां लिखेंगे इसका निकालना है एफ. एफ आउटपुट क्या है, बिट वाइज एंड निकालना. ठीक है ना, एक्स एंड बी बिट वाइज तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 1. अब हमारा और का निकालना होता है. मान लीजिए बिट वाइज और मतलब ये देखिएगा पाइप कैन होता है एक साथ. ये बहुत से बुक में आपको दिखेगा इस तरह से राइट होता है. एक्चुअली इसमें बीच में गैप होगा, ये इसको बोलते हैं पाइप लाइन. ठीक है, ये बिट वाइज और को रिप्रेजेंट होता है. जैसे इसमें क्या होगा कि एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 हमारा एफ आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, थर्ड हमारा एक्सक्लूसिव और एक्सॉर्ब, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. एक्सॉर्ब ये बहुत ज्यादा यूज होता है. एक्सॉर्ब ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अब ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं. अब आगे पढ़ना ही है एक्सॉर्ब. एक्स वाई दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1. ठीक है, ये इसका आउटपुट यही होगा. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.